बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदि व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदि व आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों और मेरे सारे फैंस, बहुत शुक्रिया आपका मेरा पेज लाइक करने के लिए, मेरी वीडियोज़ लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप सोच रहे हो कि ये स्ट्रॉबेरी मेरे हाथ पे क्यों है, स्ट्रॉबेरी इसलिए बिकॉज मुझे स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है और स्ट्रॉबेरीज का सीज़न है तो मैं तो स्ट्रॉबेरीज बहुत खाती हूँ। इसमें विटामिन सी बहुत होता है, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड इट्स टेस्ट रियली गुड। तो मैं तो नॉर्मली ये होता है कि ब्रेकफास्ट में भी कभी कभी चार पांच स्ट्रॉबेरीज और थोड़ी सी दही मिक्स करके मैं वो खाती हूँ। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ एक मास्क स्ट्रॉबेरी का, जिससे आपकी स्किन बड़ी पिंक हो जाएगी और इंस्टेंट ग्लो जो है ना, इंस्टेंट पिंक आपको ये फ़र्क पता चलेगा। होता ये कि जब हम स्ट्रॉबेरीज लेते हैं, अक्सर आपके साथ भी होता होगा कि एक तो स्ट्रॉबेरीज है भी बड़ी महंगी, तो आप जब स्ट्रॉबेरीज लेते हैं तो दुकान वाले भाई के पास कोई ट्रिक होता है कि वो किसी ना किसी तरह से कोई ख़राब स्ट्रॉबेरीज आपकी स्ट्रॉबेरीज में डाल देते हैं और उनको फेंकते हुए आपको बहुत दुख होता है। तो उनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी सी जो ख़राब होती हैं इनकी आप खुशबू देख लें, खुशबू एक स्ट्रॉबेरी की चेंज होती है वो बहुत बुरी होती है, उसको मुँह पर लगाना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप देख लें कि अगर थोड़ी सी गली हुई जो भी स्ट्रॉबेरीज हैं वो आप ले लें, ठीक है जी। ये मैंने स्ट्रॉबेरीज रखी हुई हैं साथ, वो आप ले लें थोड़ी सी जो ख़राब है, जो ना बच्चे खाएंगे ना आप खा सकती हैं ना ही घर में कोई और खाएगा और वो आपका दिल भी नहीं करता। मैं स्मेल इसलिए कर रही हूँ कि वियर्ड सी स्मेल एक आती है, वो वाली स्ट्रॉबेरीज नहीं हो सकती, ठीक है जी। ये मैंने तकरीबन तीन स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं और ये तीन स्ट्रॉबेरीज ले लें आप, एक बाउल है मेरे पास, ठीक है जी, और एक चम्मच है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि आपने तीन स्ट्रॉबेरीज, दो या तीन या चार बादाम लेके उसको जो है ना वो क्रश कर लें। मैं क्या करती हूँ, ये आपने देखा ही होगा, ये पंजाबी हमारा इसको दौरी सोटा कहते हैं, उर्दू में पता नहीं इसको क्या कहते हैं और इंग्लिश का तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता। तो इसको इसमें जो है ना अच्छी तरह आप दो तीन बादाम डालें और उसको क्रश करके इसका इसका पाउडर टाइप बना लें। आप इसको ग्राइंड कर सकती हैं, अगर आपको मशीन में ग्राइंड करना है वो भी आप कर सकती हैं। उसके साथ आपको चाहिए होगा शहद, प्योर हनी मैं ये यूज़ करती हूँ, ये है कॉमवीटा का। मैं खैर ये लंदन से लेके आई थी, लेकिन यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो डाली का जो शहद है ना वो बिल्कुल खालिस है, हमने ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि हमने उसको फ्रिज में भी रखा और हम लोग खाते भी हैं, रेड बेरीज़ का बहुत अच्छा होता है, तो वो आप ट्राई करें, वो बड़ा अच्छा है। इसको ये देखें इस तरह से आपने ऐसे इसको स्क्वीज कर लेना है, मतलब बिल्कुल इसका ना पेस्ट टाइप बना लेना, लेकिन हाथों से ही बनाना है ताकि इसका पल्प जो है ना वो रहे, क्योंकि वो उसका उसके बड़े फ़ायदे हैं, मतलब वो अच्छा लगता है स्किन के ऊपर भी और वो पल्प का ही सारा जो है वो कमाल है आपकी स्किन के ऊपर, ठीक है जी। ये आपने डाल लिया, उसके बाद आपने इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल मेसी क्योंकि स्ट्रॉबेरीज हैं, अजीब सा वो है, और ये आपने बादाम जो क्रश किए हुए हैं वो आपने इसमें ऐड ऑन कर लेने। इसको आप स्ट्रॉबेरी स्क्रब भी कह सकते हैं और मास्क भी कह सकते हैं। मास्क इसलिए बिकॉज इसमें मैं हनी भी ऐड करूँगी, और स्क्रब इसलिए बिकॉज इसमें हम लोग बादाम ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। और टिश्यू मैंने नहीं रखा साथ, खैर एनीवेज बाद में मैं ये चीज़ें साफ कर लूँगी। आप सोच रहे होंगे मैं कितनी मैसी हूँ, कितने मैसी लग रहे हैं हाथ, लेकिन इसको आप हाथों पर भी मल सकते हैं, या आप हनी अपना खोल लें। और तीन स्ट्रॉबेरीज, आधा तीन बादाम मैंने इसमें डाले हैं और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून हनी ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी। इससे कम भी आप ऐड कर सकती हैं वैसे, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्किन पे सूट करता है हनी, कुछ लोगों को नहीं सूट करता, इचिंग होती है या पिम्पल्स पे इचिंग होती है, तो वो ऐड ना करें हनी, आप वैसे ही बना लें, ठीक है जी। ये देखें मैं इसको पेस्ट को बना रही हूँ, या आप पेस्ट को बना लें और मैं अब इसको अप्लाई करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये ऐसा पेस्ट बन गया है, ये देखें, वैसे दिल तो कर रहा है कि खा भी लें इसको थोड़ा सा, लेकिन ये हमने क्योंकि उसके लिए बनाया है फेस के लिए, इसलिए हम इसको खाएंगे नहीं। मुझे तो स्ट्रॉबेरी इतनी पसंद है और बादाम भी है बीच में, सारी चीज़ें देखें खाने वाली जो चीज़ें हैं वो अक्सर ही होता है ना, केले का मास्क बड़ा अच्छा बनता है, घरेलू चीज़ें जो है ना वो आपकी स्किन पर मैजिक करती हैं। ये देखें ज़रा आप अभी से देखना, ठीक है जी। ये आपने इसको इस तरह से आपने इसको लगा लेना है, थोड़ा सा जूसी है, इवन लिप्स पे लगा लें। और ये आपने ये देखिए मैं कितनी देर लगा रही हूँ, ठीक है जी। ये मैंने पूरा रब कर लिया, इसको आपने अच्छी तरह लगा लेना बिकॉज अभी मैंने ये वो अब ये हजाब पहना हुआ है तो फिर मैं ये इसको ज़रा ठीक तरह से नहीं लगा सकूँगी बिकॉज मैं जब हिजाब उतारूँगी तब ठीक तरह से लगाऊँगी, लेकिन ये मैंने आपको थोड़ा सा दिखाना था, ठीक है जी। इसको आप 10-15 दिन में तो आपको मुंह सूखड़ जाएगा 10-15 मिनट इसको लगा कर रखें,
और 15 मिनट के बाद इसको वॉश करने से पहले आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे रब करना है। उससे क्या होगा, जो बादाम इसके अंदर हमने ऐड किया है इस तरह से, ये राउंड ऐसे मोशन में रब किया करें इस तरह रब करके, जब जब 15 मिनट के बाद थोड़ा ड्राई हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके ना आपने वॉश कर लेना है। और फिर ये थोड़ा बच जाएगा, इसको आप रख लें, इसको आप रोज़ लगाएं, लिप्स पे लगाएंगे, देखें आपको लिपस्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, पिंक पिंक हो जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा मास्क है जी, ट्राई करें घर पे, ट्राई करके हाथों पे भी आप लगा सकते हैं। आप ट्राई करके मुझे बताइएगा और मैं कोशिश करती हूँ कि अभी 15 मिनट के बाद आपको दिखाऊँ कि ये मेरा कैसा फेस कैसा लग रहा है। अच्छा जी, 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मेरा चेहरा काफ़ी ग्लो कर रहा है और हाथ पाँव भी जो है, हाथ पाँव तो फिर तो मैंने लगाया नहीं, लेकिन हाथ भी जो हैं वो काफ़ी सफ़ेद लग रहे हैं। तो आप ये ज़रूर करें और इसको ट्राई करें, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ का मौसम है तो ये, और जो ख़राब स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो आपकी ज़ाया नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, नीचे एक टिक मार के उस पर आपने वो करना है, बटन दबाना है और फिर उसके ऊपर सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरा ये है कि मुझे बड़ी अच्छी बात अब्बू का करते थे कि अगर आपके पास कोई काम के लिए आए और आपको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हो कि आप वो काम कर दें तो आपको ज़रूर करना चाहिए। मेरी एक बहन ने मुझे ईमेल की कि आप सबको कहें कि मेरा पेज लाइक करें, वो मेकअप ट्यूटोरियल करती हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ हो गया कि मैं आप लोगों को बताऊं। शाबानो मेकअप के नाम से उनका यूट्यूब पे पेज है। बहुत सारी बहनें हैं जो घर से बैठ के ये चीज़ें कर रही हैं, शायद उनकी अर्निंग ये होगी और एक अच्छा सोर्स है। अगर आपको कहीं जानती हैं या कोई भी करती हैं चीज़ करती हैं तो आप ज़रूर करें, सो यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर ओन मनी और घर बैठे हुए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। तो शाबानो का पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है। तो शानो मेकअप का आप ज़रूर पेज लाइक करें और मेरा भी पेज सब्सक्राइब कर लें इंशाल्लाह। और टिप्स के साथ और टोटकों के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।